नाले में बारिश का पानी आने के कारण गांव के लिंक रोड पर पानी आ गया, जिसके बाद लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। तस्वीरें झांसी जिले की तहसील टहरौली अंतर्गत आने वाले उज्जैन गांव की हैं। इस गांव के नज़दीक से बेतवा नदी निकलती है और जब बेतवा का पानी खतरे के निशान से ऊपर निकला तो गांव और सड़कों पर भी पानी भर गया। दरअसल इस लिंक रोड पर एक नाला है जो सीधा जाकर नदी में मिलता है और इसी नाले में वापस नदी का पानी उफान पर आ गया और यहाँ इतना पानी भर गया कि यहाँ कल तक जिस सड़क पर वाहन दौड़ते थे अब उस पर नाव चल रही है। लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मुख्य मार्ग का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि माता टीला बांध में पानी अधिक आने से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे बेतवा नदी का पानी सैलाब बनकर लोगों को डरा रहा है। इस आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जिलाधिकारी महोदय गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से झांसी और इसके बेतवा के कैचमेंट एरिया में काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो डैम हैं खासतौर से राजघाट और माता टीला वो पूरी तरह से भर चुके हैं। राजघाट से पानी माता टीला में छोड़ा जा रहा है और माता टीला से जो नीचे के डाउन स्ट्रीम है उसमें पानी छोड़ा जा रहा है। अभी कल मैसेज आया था कि 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाना है। माता टीला में जो 23 गेट हैं उनमें से 22 गेट खोल दिए गए हैं और उसका जो स्तर मेंटेन करते हुए लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। लगभग 20 से 25 गांव हैं जो बेतवा की तलहटी में हैं, वहां पे अलर्ट पे रखा गया है। पुलिस और राजस्व प्रशासन दोनों के अधिकारी और कर्मचारी वहां मौके पे अपनी सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। लोगों को नदी के बीच में या टापुओं के बीच में ना जाने के लिए कहा गया है। कोई बड़ी नाव चला करके उसमें नदी पार करने के लिए ना करें, इसके संबंध में भी एडवाइजरी जारी की गई है। कुल मिला के हम लोग इस पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं और अभी तक स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और पिछले वर्ष एक दो स्थानों पे रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए कराना पड़ा था क्योंकि लोग टापू पे चले गए थे और उसके पश्चात पानी की जलधार की वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। इस बार ऐसी स्थितियाँ ना आए, इसके संबंध में हम लोग पूर्व से ही तैयार हैं, सतर्क हैं और लोगों को लगातार इस बारे में सचेत। झांसी से मनीष अली।